माता सुंदरी पब्लिक स्कूल में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित वीर बाल दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने साहबजादों की याद में लगाई गई प्रदर्शनी का उद्घाटन कर वीर साहबजादों की तस्वीर पर दीप जलाकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वीर बाल दिवस के अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज हमारा सौभाग्य है कि हम सभी यहां वीर बाल दिवस मनाने एकत्र हुए हैं। आज का दिन गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों साहिबजादों की शहादत का दिन है। मुगलों के दबाव के बावजूद भी उन्होंने कुर्बानी चुनी। सिख समाज का इतिहास ऐसी कुर्बानियों से गौरवशाली बना है। आज हमारा सौभाग्य है कि वीर बाल दिवस में हम यहां पर एक स्कूल में मनाने के लिए एकत्र हुए हैं और आज गुरु गोविंद सिंह के दोनों साहबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जो मात्र 9 साल और 6 साल के थे, जिनके ऊपर मुगलों द्वारा भारी दबाव पड़ा कि मुस्लिम धर्म कबूल कर लो अन्यथा सजा भुगतने के लिए तैयार रहो, लेकिन मैं सिख समाज को नमन करता हूं। सिख समाज के बलिदान के लिए जो आजादी की लड़ाई और हिंदू धर्म के रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी दी, और ऐसा शायद सिख समाज में ही संभव हो सकता है जिस समाज का मात्र 9 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा धर्म के प्रति इतना कट्टर हो सकता है। 9 साल और 6 साल बच्चों के लिए खेलने कूदने का होता है। शायद बहुत बच्चे धर्म वगैरह की बात भी नहीं जानते हैं कि धर्म क्या चीज है, लेकिन जो सिख समाज के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जो स्वयं 10 साल की 9 साल की उम्र में 10वें गुरु हो गए थे और उनके दोनों साहबजादे, आखिर उनमें भी गुरु गोविंद सिंह जी का खून था। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी दे दी
और मुगलों का इतना निर्दयता देखिए कि 9 साल और 6 साल के बच्चों को दीवार में चुनवा दिए। इससे और निर्दयता क्या हो सकती है, ये समझने की बात है। हमारे देश में ऐसे बहुत लोग हुए